हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रि का फर्स्ट डे है, व्लॉग काफ़ी लेट हो गया आई नो, बट कोई बात नहीं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारा संवत्सर का शुरू होता है। सो यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारी, जिसके लिए सबसे पहले मंदिर साफ़ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो भी भगवान हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कान्हा जी हैं, महादेव हैं, तो बस, और तो उन्हीं के लिए यहाँ मंदिर वगैरह साफ़ करके पूजा की तैयारी कर रही हूँ। नहा धोकर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा की। पहला दिन है, मंदिर वगैरह जाना तो नहीं हो पाता है मेरा, बच्चों की वजह से काफ़ी काम वाम भी रहते हैं, और फिर बच्चे भी या तो लेकर जाओ या छोड़ कर जाओ, फिर कभी किसी ने नहीं नहाया, कभी किसी ने नहीं नहाया, तो इस वजह से घर पर ही जो है जितनी छोटी मोटी पूजा है वो कर लेती हूँ मैं। सो यहाँ जो आसन वगैरह है वो सब हटा दिया है, और पोछा लगा रही हूँ नीचे की जगह पर, और उसको उसके बाद मैं जो भी मेरे पास आसन और पट्टा वगैरह है वो वापस रख दूँगी, अच्छे से पोंछ दूँगी इसको, और कपड़ा वगैरह है ना वो उसको भी मैंने बाहर जाकर अच्छे से झाड़ा दिया है। और उसके बाद मैं बस अब यहाँ पर भगवान जी को विराजमान करेंगे, नहलाएँगे, पूजा वगैरह करेंगे। सो महादेव को नहला दिया है, चंदन वगैरह लगाकर उनका श्रृंगार कर देते हैं। और माता रानी की यहाँ मेरे पास कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, जो हमारा घर है वहाँ पर तो है मूर्ति, बट यहाँ मूर्ति नहीं है, बट जो पोस्टर वगैरह अभी मैंने आपको दिखाए थे उसमें माता रानी विराजमान है, और हम उनका मतलब कलश जो है ना वो उन्हीं के नाम से स्थापना करेंगे, तो बस उसी की पूजा वगैरह कम्प्लीट करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी भस्मी जो है ना वो चढ़ाई थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, और बस दिया वगैरह लगा देती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे नहा धो करके, तो बस हम लोग मिल करके कलश जो स्थापना है ना वो करेंगे यहाँ पर। यहाँ कटोरी में थोड़ा गंगा जल और नॉर्मल जल में हल्दी मिला करके रखा हुआ है पूरे घर में छिड़काव करने के लिए, तो वही मैंने कर दिया था। उसके बाद हम कर रहे हैं जो होम वगैरह, छोटा सा हवन किया जाता है, तो अभी मैं पूरे 9 दिन तक रोज़ाना ही करूँगी घी और शक्कर से, और जो भी बनेगा भोग वो माता रानी को भोग लगा दिया करेंगे। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, दाल मैंने पहले ही बॉयल होने रख दी थी। यहाँ पर बना रही हूँ चाय मैं अपनी एक बार और, क्योंकि मेरा फास्ट है आज तो, और मेरा फास्ट में मतलब कैसे किस तरह से रखा है वो आपको बता दूँगी मैं आगे। वान्या यहाँ पर देखिए नहा वहा के आ गई, आज उसके पापा ने नहला दिया था, छुट्टी थी तो। और यहाँ पर ना वो आजकल खुद से कुछ चीज़ें करने की कोशिश करती है, जैसे कपड़े खुद से पहनने की। मैं कितना भी बोलूँ कि लाओ पहना दूँ, बट वो कहती है नहीं नहीं मुझे ही पहनना है, बस थोड़ा सा पूछ लेती है कि ये कैसा है उल्टा है, बाकी पूरी कोशिश उसकी देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, बट वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, खुद ही उसको पहनना होता है। और बस एक प्रॉब्लम ज़रूर ये है इसके साथ में कि इसको ना नए कपड़े पहनने होते हैं, अधिकतर कितना भी मना करूँ ना बट नए ही पहनेगी, बट कोई बात नहीं बच्चे हैं। तो यहाँ चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी दाल बनाने के लिए, और अभी मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की है कि 9 दिन नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और आगे भी माता रानी ऐसी प्रेरणा दें कि प्याज लहसुन खाना हम बंद ही कर दें। तो बस अभी 9 दिन का प्रण है, बाकी आगे देखते हैं। गर्मा गर्म दाल चावल मैंने वानू को यहाँ पर परोस कर दे दिए खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, उसे भूख लग रही थी। बस फिर किचन में आटा लगाने के लिए आ गई थी मैं, तो व्रत की बात कर रहे थे हम लोग, तो व्रत मैंने रखा है बट इस तरीके से रखा है कि सुबह से लेके और जितनी देर तक मुझसे हो सकेगा उतनी देर तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ मैंने चाय पी थी और पानी पिया था, और खाऊंगी कुछ भी नहीं, और उसके बाद जितनी देर तक मैं कम्प्लीट कर सकती हूँ उतनी देर का माता रानी के सामने प्रार्थना करके उनको व्रत समर्पित करके मैं सीधा खाना ही खा लूँगी, क्योंकि फिर हम कुछ खाएँ फल खाएँ और कुछ बाकी चीज़ें खाएँ और उसके बाद सारा दिन भूख लगती रहे तो वो ठीक नहीं है, और मुझे थोड़ा भूख लगती है क्योंकि मेरा जो छोटा राघव है ना वो फीड करता है अभी, तो बस यही तरीका सही है। वैसे भी बार बार भूख के बारे में सोचते रहो तो वो व्रत किसी मतलब का नहीं होता है, तो जितनी देर मैं रख सकती हूँ 1 बजे तक 2 बजे तक जितना रख पाऊँगी रखूँगी, और उसके बाद में मैं उतनी देर का व्रत अपनी माता रानी को समर्पित करके खाना ही खा लूँगी सीधा, ताकि कोई फिर बाद में ऐसा ना लगे कि अरे भूखा लग रही है और उसी का दिमाग में ना रहे। तो बस वही सब चीज़ें यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। अब चलिए खाना पीना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। थोड़ी सी दाल मैंने यहाँ बचा दी थी तो वो मैं राघव को खिला रही हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी दाल मैंने निकाल दी थी तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ थोड़ा निकाल देते। वैसे तो खाने में जो हमारा नॉर्मल खाना बनता है उसमें मिर्च बहुत ही कम डलती है, ग्रीन वाली जो हरी मिर्च है ना वो 1-8 डल जाती है बस, केवल लाल तो डलती ही नहीं है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल दाल चावल भी खा लेता है बहुत ईजीली।
खाता कम है वो चीज़ों को पकड़ता ज़्यादा है। दाल भी यहाँ एकदम से चम्मच उसने पकड़ ली तो फैल गई थोड़ी सी, बस यही सब करता रहता है, चीज़ें फैलाता रहता है, मैश करता रहता है और खाता रहता है। बट कोई बात नहीं, चलिए उसको मैंने खिला दिया यहाँ थोड़ा बहुत, यहाँ दाल में डाल दिया है धनिया, दाल बन गई है हमारी। और अब मुझे कोई खाना खाने के लिए ऐसा दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं मालिश वालिश करके राघव की उसको भी नहला देती हूँ। तो करीब 12 बजे का टाइम यहाँ हो गया है तो मैंने सोचा चलो ये राघव को हम मालिश करके और उसको नहला देते हैं। मैं ना अक्सर पहले मालिश करती हूँ उसके बाद नहलाती हूँ। सो बस राघव यहाँ पर देखिए नहा वहा के आ गया है और नहाने के बाद थोड़ी देर तो बड़ा इन्जॉय करता है, उसे बहुत मज़ा आता है। पहले छोटा था बहुत रोता था नहाने में, अब नहीं रोता, अब इन्जॉय करता है आराम से। फिर मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए क्योंकि पापा जी और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो खा लेते हैं हम लोग, तो मैंने कहा चलिए आप लोग खाइए गर्मा गर्म, मैं बना देती हूँ यहाँ पर। तो बस रोटियां बनाई, उसके बाद में मैंने अपने लिए भी बना बना के रख दिया और किचन क्लीन करने की बारी आ गई है यहाँ पर। सारा कुछ किचन क्लीनिंग कर देते हैं और बैकग्राउंड नॉइस आज बहुत ज़्यादा हो रही होगी उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बात वही है ना, बच्चे रहते हैं साथ में तो उनसे क्या बोलो। बान्या से अगर मैं जितना बोलती हूँ ना कि थोड़ा चुप रहना मुझे वॉइस ओवर करना है, वो उतनी ही ज़्यादा बात करती है। तो बस यही है और बाकी राघव भी हाँ हूँ हूँ करने में लगा हुआ है यहाँ मेरे पास में ही, तो वॉइस ओवर। बट फिर भी मैंने कहा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है तो डाल देती हूँ आप सबके साथ में, अपलोड कर दूँगी। और बाकी बस यही रहता है थोड़ा बहुत वीडियोस ना डालने का रीज़न, क्योंकि मौका नहीं मिलता, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो फाइनली फिर मैंने करीब 2 बजे अपना लंच लगा लिया था यहाँ पर, दाल चावल, और बस वही माता रानी से यहाँ प्रार्थना करके कि जो भी व्रत है वो आप एक्सेप्ट कीजिए जितनी देर का मैं रख सकी। मैं यहाँ पर लंच कर लूँगी और इसी ब्लॉग को भी ऐड कर दूँगी।